हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे दो अंकों की कोई भी संख्या है उसका ट्रिक, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक। चलिए लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है 32 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। 32 का वर्ग अगर करना है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, पहले 3 फिर गुणा 2 और फिर जो इसकी पावर 2 है इसको भी हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर अब देखिए, हमको पता है कि इन दोनों संख्याओं का हमको क्या करना था, वर्ग करना था। तो अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखिए जब भी इसका आंसर आएगा तो 4 डिजिट में आएगा, तो इसलिए हम इसलिए 3 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए, और इसका अगर वर्ग करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन संख्याओं का गुणा करने के बाद जो यह संख्या आई है, पीछे का एक अंक छोड़कर इसको इसमें क्या करें जोड़ दो, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो इसका किए तो हो गया 0 9 और ये 0 4 है। अब इसमें एक अंक छोड़ के यानी 2 और एक यहाँ पर लिख दीजिए, ये 4 2 9 1 10 को 0 हो जाएगा और एक यहाँ यानी 10 और 24 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 24 है, 24 का हमको क्या करना है वर्ग करना है। तो अगर हम 24 का अगर वर्ग करेंगे तो 24 का अगर वर्ग करेंगे तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 4 गुणे ये 2 लिख देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 गुणा 4 अलग अलग सबको क्या करेंगे लिखे। अब इसका गुणा 4 दुना 8 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब देखिए, इस पहले वाली संख्या अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 हो जाएगा और इसका अगर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा 16 आया है इसको एक अंक छोड़ के इसमें क्या करना है जोड़ देना है, यानी 16 आप यहाँ लिख दीजिए, 6 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।